सो हे गाइस, आज के ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोको की तरफ से आने वाले एकदम ब्रांड न्यू स्मार्टफोन पोको F3 के एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट के बारे में। जी गाइस, इसके बाय डिफॉल्ट ग्राफिक्स के गेम प्ले के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था कि भाई ये 60 FPS में कितनी तगड़ी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करके देता है, और वही एक वजह है कि आज मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा ताकि आप सभी को बता सकूँ कि 90 FPS में किस तरीके की परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करके देता है। और अगर आप इस फोन को बाय करते तो आप इसमें 90 FPS में 20 FPS की गेमिंग कर भी पाएंगे या नहीं। तो इसी कारण से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी आज की अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं पोको F3 के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो अभी आप देख सकते हैं इसके स्पेसिफिकेशन को, मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ हाईलाइटेड पार्ट के बारे में मैं डिस्कस कर लूँ, जैसे कि इसका रैम और रोम, डिस्प्ले एंड इसका मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट निकल के आता है जो कि है प्रोसेसर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रैम और रोम के बारे में। तो रैम और रोम यहाँ पे आपको काफी ज्यादा लेटेस्ट देखने को मिल जाएगी। जी हाँ गाइस, यहाँ पे आपको LPDDR5 एंड UFS 3.1 रोम देखने को मिल जाएगी। तो रैम और रोम के मामले में यहाँ पे आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा लेटेस्ट यहाँ पे आपको रैम और रोम देखने को मिलती है। बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको 120Hz का रिफ्रेशिंग रेट वाला E4 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा विथ 360Hz टच सैम्पलिंग रेट के साथ में। तो डिस्प्ले की क्वालिटी के मामले में, ऊपर से डिस्प्ले के फीचर्स के मामले में ये फोन आपको किसी भी तरीके से डिसअपॉइंट नहीं करता है। एक गेमिंग ओरिएंटेड स्मार्टफोन के डिस्प्ले में जो रिक्वायरमेंट होती है उन सभी रिक्वायरमेंट से ज्यादा ये आपको प्रोवाइड करके देता है। एंड बात कर लेते हैं इस फोन के मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट जो कि निकल के आता है इसका प्रोसेसर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का एकदम ब्रांड न्यू चिपसेट जो कि है Snapdragon 870, जो कि एक डुअल 5G चिपसेट है एंड 7nm फैब्रिकेशन पे वो बेस्ड है। तो देखा जाए तो प्रोसेसर के मामले में यहाँ पे आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही तगड़ा यहाँ पे आपको चिपसेट देखने को मिलता है। तो स्नैपड्रैगन का 870 चिपसेट जो है वो एक सक्सेसर है स्नैपड्रैगन के 865 प्लस जी का, और हम सभी को पता है कि भाई स्नैपड्रैगन 865 प्लस जी में कितनी तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो ये तो उसका सक्सेसर है, तो इसमें आपको किस तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी ये तो आप सोच ही सकते हैं। बाकी बात करें इसके अदर फीचर के बारे में, जैसे कि इसके सेंसर, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे सेंसर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, जायरोस्कोप भी देखने को मिल जाएगा, और जायरोस्कोप में यहाँ पे आपको कोई भी डिले देखने को नहीं मिलता है। एंड डिस्प्ले की फीचर की बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपको 120Hz का रिफ्रेशिंग रेट, E4 AMOLED डिस्प्ले विद 360Hz टच सैम्पलिंग रेट के साथ में, एंड यहाँ पे आपको HDR10+ का भी सपोर्ट दिया गया है, एंड यहाँ पे आपको Wi-Fi 1L1 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। तो देखा जाए तो स्पेसिफिकेशन वाइज एंड ओवरऑल लुक में ये फोन बिल्कुल क्लियर निकल के आता है। और गाइस, मैं बता दूं कि ग्लोबली इस फोन की सेल रखी गई है जिसमें इसकी प्राइस रखी गई है 25,000 रुपये, और 25,000 रुपये में भाई इसकी स्पेसिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा तगड़े निकल के आते हैं। अभी जानना इंटरेस्टिंग होगा कि हमारे इंडिया में ये कितने प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होता है। बाकी गाइस, इस थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन को रखते साइड पे, आ जाते हमारे एक्चुअल गेमिंग टेस्ट पे, जिसमें हम टेस्ट करने वाले इसे 90 FPS में यूजिंग कॉन्फिग। जी अगर इसे बाय डिफॉल्ट ऑफर करता है आपको स्मूथर एक्सट्रीम, तो इसलिए हमने इसे पुश किया है स्मूथर 90 FPS में। और 90 FPS के गेम प्ले की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं TDM की। तो TDM में अगर आप गेम प्ले करें तो इस फोन में आपको 85 से लेकर 90 FPS बिल्कुल डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। जी अगर बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन में उसके जो FPS है, यानी कि सपोज टू भी अगर आप क्लोज रेंज में फाइट ले रहे हो, तो उस समय पे जो इसके FPS 90 FPS में TDM में वो जाते हैं 80 तक, लेकिन मोस्टली ये फोन आपको 85 से लेकर 90 के बीच में हॉवर करता हुआ दिखाई दे देगा TDM में। TDM में 90 FPS में आप बिल्कुल 85 से लेकर 90 FPS बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फोन के साथ में, यहाँ पे आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वही बात करते हैं एक्चुअल गेमिंग टेस्ट के बारे में, यानी कि सैनोक के बूट कैम के बारे में। तो सपोज टू भी अगर आप सैनोक का बूट कैम कर रहे हैं और अगर आप प्लेन से जंप करते हैं, तो उस टाइम पे कितने FPS ड्रॉप जाते हैं ये जानना इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो प्लेन से जब आप जंप करोगे उस टाइम पे 90 FPS में इस फोन में आपको 75 FPS तक का ड्रॉप जाते हुए दिखाई दे सकता है, वो भी एक आधी सेकंड के लिए, लेकिन वो फटाक से रिकवर हो जाते हैं। लेकिन बात करते हैं असली टेस्ट के बारे में, यानी कि जब आप लैंड कर चुके हो और आप बहुत सारे एनिमीज के सराउंडेड हो और आप क्लोज रेंज में फाइट भी ले रहे हो, ऊपर से वहाँ पे इंटेंस सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, उस समय पे 90 FPS में किस तरीके की स्टेबिलिटी दिखाता है ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। तो गाइस, मैं बता दूं कि अगर आप 90 FPS में बहुत ही इंटेंस सिचुएशन में अगर आप फंस गए हो, उस समय पे भी फोन में आपको 78 से लेकर 85 FPS देखने को मिल जाएंगे। जगह 78 से लेकर 85 FPS आपको देखने को मिल जाएंगे इंटेंस सिचुएशन में। इसकी जो FPS है वो भले कितने भी इंटेंस सिचुएशन क्यों ना हो, 78 के बिलो नहीं जाती, तो ये काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा 90 FPS में। अगर इस फोन में अगर आप 90 FPS में गेम प्ले करोगे, तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 78 से लेकर 85 FPS बिल्कुल डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे, एनी हाउ कंडीशन, एनी हाउ सिचुएशन। लेकिन अच्छी बात यह कि जैसे जैसे इंटेंस सिचुएशन खत्म होती जाती है, एक नॉर्मल सिचुएशन आ जाती है, तो फिर से इसके जो FPS है वो 85 से लेकर 90 के बीच में आ जाते हैं, और मोस्टली इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्मल सिचुएशन में 85 से लेकर 90 FPS। और बात करते हैं इसकी हीटिंग के बारे में, तो लिटरली गाइस मैं बता दूं कि यार स्मूथर एक्सट्रीम के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको थोड़ी हीटिंग देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको ओवर हीटिंग वाला सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। अगर आप 1 से 1.5 घंटे की गेमिंग करोगे, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि यार स्मूथर एक्सट्रीम पे वो 44-45 डिग्री जाता था, तो यहाँ पे आपको क्या 2 डिग्री क्रिस हो जाएगी, यानी कि 45-46 डिग्री आपको
देखने को मिल सकता है 1 से 1.5 घंटे की गेमिंग के बाद में। तो आ जाते हैं हमारे कंक्लूजन के ऊपर। तो भाई पोको F3 कैसा है 90fps के गेमिंग टेस्ट में? तो गाइस मैं बता दूं कि यार इसमें 90fps के गेम प्ले में ये बिल्कुल किलर स्मार्टफोन निकल के आता है। और अगर ये फोन हमारे इंडिया में 30,000 के अंदर लॉन्च होता है तो मैं आपको डेफिनेटली कंसिडर कर सकता हूं इस फोन को। आप इसमें बिल्कुल बीस्ट लेवल की 90fps में गेमिंग कर पाएंगे, यहाँ पे आपको कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलेगा इस फोन के साथ में। एक किलर स्मार्टफोन आप इसे कह सकते हैं। बाकी गाइस आप सभी अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा एंड आप क्या सोचते हैं इस फोन के बारे में। एंड आप अपने थॉट्स मुझे जरूर से शेयर करना। और हाँ गाइस, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो यार, लाइक करो यार, शेयर करो। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।